अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज है हमारा डे 4। बुध को हम आए थे, बुध जुमेरात जुम्मा और हफ्ता, आज चौथा दिन है। और कल हम जहाज़ बांडा जा रहे थे, लेकिन जहाज़ बांडा पहुंच नहीं पाए मौसम की ख़राबी की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ियां हैं वो टिकट टॉप पे नहीं जा पा रही थी। और हमें तमाम लोगों ने मशवरा दिया कि आप लोग वापस आ जाएँ। आज फिर ये हुआ कि रात को हम सोए और अंदर से आवाज़ आई कि हमें वापस जाने के बजाय वो जो एक रात हमने जहाज बांडा में गुजारनी थी उस टाइम को हम यूटिलाइज करें और हम बम्बूरिट जाएं कैलाश वैली, और वहाँ पे कैलाश वैली जाके देखें। तो अभी हम रात वापस आके थल से दीर पर रुके हैं, दीर से अभी निकलने लगे हैं चित्राल के लिए। वहाँ पे जाएंगे कैलाश वैली और इंशाल्लाह कल सुबह वहाँ से वापसी होगी। ये हम रुके हुए थे, ये कौन सा होटल है, लवारी गेटवे। जैसे ही आप दीर से निकलते हैं थोड़ा आगे आते हैं, कोई तकरीबन आधा किलोमीटर, जैसे ही आप बीच में एक ब्रिज है उसको क्रॉस करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे होटल है। बहुत अच्छी जगह है, साफ़ सुथरे कमरे हैं। ख़ासतौर पे जो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है वाशरूम्स की, कि इन एरियाज़ के अंदर जो होटल्स हैं उनके वाशरूम्स इतने साफ़ नहीं होते, इन्होंने बहुत अच्छे रखे हुए हैं। तो ज़बरदस्त, अभी निकलते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सेल्फियां बना रहे हैं और उसमें मैं नहीं आऊँगा। तो यार एक सेल्फी मेरे साथ भी भाई, एक सेल्फी मेरे साथ भी भाई। इस वक्त हम लवारी टनल के ऊपर पहुंचे हैं और लवारी टनल के ऊपर यहाँ पे इस वक्त जो टनल है वो एक साइड की ट्रैफिक के लिए ओपन है, एक साइड की ट्रैफिक के लिए बंद है। तो एक अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे एक टाइम टेबल लगा हुआ है जो कि ये बता रहा है कि टनल कितने बजे खुलती है, दरमियान में दो दो घंटे के लिए बंद होती है। इसको बंद करने का जो पर्पज़ है वो बेसिकली जो जनरेटर्स हैं उनको रेस्ट देने के लिए, ताकि जो वेंटिलेशन सिस्टम जो जनरेटर्स के ऊपर चलता है वो इस दौरान में, ये जो रेड टाइम है इस दौरान में वो बंद रहता है। अगरचे ये ज़्यादा ट्रैफिक इस दौरान में नहीं छोड़ते, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी सिचुएशन हो तो फिर एक आध गाड़ी को दरमियान में छोड़ देते हैं, क्योंकि एक आध गाड़ी से उतना बड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं बनता। जब ये टनल कंप्लीट नहीं थी और उस वक्त यहाँ पे अंदर कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, तब भी हम यहाँ से गुजरे थे स्पेशल परमिशन लेके, तो हम इसको पार कर गए थे, हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो जब भी आप प्लान करें चित्राल आने के लिए तो ये जो टाइम है इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप इन टाइम्स के दौरान यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप सीधा क्रॉस कर जाएंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे रुकना पड़ सकता है जो कि आपके ओवरऑल टाइमिंग को अफेक्ट करेगा। अभी हम निकले हैं लवारी टनल से, ये टनल तकरीबन 8.5 किलोमीटर की है। अंदर एक दफ़ा जब आप गुज़रते हैं तो अभी भी थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी फील होती है, धुएँ की वजह से थोड़ी आँखों में जलन सी फील होती है। जैसे आप उससे निकलते हैं तो आगे एक छोटी सी दूसरी टनल है, उसकी वजह से डेफिनेटली तकरीबन 3 से 4 घंटे का जो सफ़र है वो कम होकर 10 से 12 मिनट पर रह गया। यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत प्यारा है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि पीछे वो जो ज़िगज़ैग की नई रोड बनी है वो कैसी है। ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग डीप ही चलाते हैं और एक्सेसिव यूज़ करते हैं ब्रेक्स का, तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ हादसा भी हुई है। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी पर आ रहे हैं तो लो गियर पर चलाएँ, ब्रेक कम यूज़ करें, ताकि जब जब आप यूज़ करें एटलीस्ट वो ब्रेक वर्क करें। आगे चलते हैं जी, अगला स्टॉप हमारा है वो टी पॉइंट, जहाँ से हमने मुड़ना है बम्बूरिट के लिए। वहाँ पे रुकेंगे, कुछ चाय शाय पियेंगे और फिर वहाँ से निकल के आज की रात हमारी कैलाश में है और कल सुबह इंशाल्लाह वापसी का सफ़र होगा डे 5 पे।
तो इस दफा का जो ये ट्रिप है ये काफी मजे का रहा है अब तक। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं दरोश और वहां से कुछ तकरीबन 2 किलोमीटर आगे आए हैं। 2 किलोमीटर जैसे आगे हैं तो यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न फिलिंग स्टेशन है। अगर आप रास्ते में रुकना चाहते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, टक शॉप पर जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। ये मेरे पीछे आपको टक शॉप नज़र आ रही है, ये उनका मेन बिल्डिंग है और वो जो पीछे नज़र आ रही है ये मस्जिद है। तो अगर आपने रास्ते में 10-15 मिनट की ब्रेक लेनी है और फ्रेश होके आगे निकलना है तो द्रोज से आगे तो 3-4 किलोमीटर और इससे आगे फिर ऑन है और उसके बाद फिर चित्राल है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है, अल्लाह ताला इस बंदे को जज़ाए खैर अता फरमाए। जो जो काम हुआ हुआ है वो बहुत ही अच्छा। होटल है चित्राल हाइट्स, ये दरोश क्रॉस किया हमने, आगे हम पहुंचने वाले हैं। सुबह नाश्ता कम किया था इस वजह से बहुत भूख लग रही थी, यहाँ पे रुके, लेकिन इसके जो बैक साइड का व्यू है वो कमाल का। अभी यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद अगला स्टॉप जो है वो सीधा बहुत होगा, उससे पहले हम नहीं रुकेंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और हमारे ये जो पहाड़ी इलाके हैं ये एक तरह के से सोनों से भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने टाइप के मिनरल्स अवेलेबल हैं कि आप अगर इन मिनरल्स को सही तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, अच्छे इंडस्ट्रियल स्केल पे उनको प्रोसेस कर पाएँ और उसके बाद दुनिया को एक्सपोर्ट कर लें तो बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मैं अपने बैक साइड पर आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये सामने अगर आप देखेंगे ये जो जगह है, यहाँ पे एक ये जो मार्बल है उसकी एक ज़बरदस्त तरीके से कटिंग हो रही है, अभी मैं उसको आपको करीब करके दिखाता हूँ। इससे पहले जितना भी मैंने देखी है सब जगह पे ब्लास्टिंग का तरीका और वो जो ड्रिलिंग है उसकी तरीके से की जाती थी, जबकि ये पहली मैंने जगह देखी है यहाँ पे जो कि कटिंग के तरीके से है, लेज़र कट यहाँ पे हो रहा है। तो ये ब्लॉक कटिंग के बाद जब जाएगा तो ऑब्वियसली इसका बहुत फ़ायदा होगा। आज मैं आपको आपको दिखाता हूँ जी। दोस्तों ये सामने जो है ये देखें, ये पहाड़ बज़ाहिर जो है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, लेकिन ये पूरे का पूरा पहाड़ जो है ये मार्बल का है। और ये देखें आप जैसे ही उसको खोदना शुरू करते हैं, ये राइट साइड पे भी एक छोटी सी कटिंग नज़र आ रही है और लेफ़्ट साइड पे तो बहुत बड़ा कट है। शायद यही वजह है कि ये इतना हार्ड स्टोन है कि यहाँ पे कोई भी दरख्त नहीं लग सकता, इसलिए आपको ये पूरे जो पहाड़ हैं ऊपर आपको दरख्त नज़र नहीं आ रहे।
जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बम्बूरेट। रास्ता बहुत ही ख़तरनाक था, एक दो जगह पे हम जो है वो बिल्कुल एज पे गाड़ी आनी पड़ी, और चूँकि हम अपनी गाड़ी में फिर रहे हैं हर जगह, तो एक दो जगह पे जो है वो गाड़ी थोड़ी सी चढ़ने में मुश्किल में हुई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप सुकून से आएँ तो आप इवन किसी कार पे भी यहाँ पे आ सकते हैं। सिर्फ दो तीन मोड़ हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वक्त शाम के 5:30 हैं, और क्योंकि कल सुबह हमने निकलना है तो आइडिया ये है कि अभी सब कुछ जो एक्सप्लोर करना है वो भी कर लिया जाए। हमारा जो पहला जो हम देखने जा रहे हैं वो यहाँ का कब्रिस्तान है, पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कब्रिस्तान है, पहले जमाने में तो ऐसे दफना दे देना, अभी नीचे दफना रहे, ये पहले ऐसे दफना देते, इनके साथ जीवारात मीवारात क्या जो भी है इनके साथ रख दे देना, होंगे वो रख दे दो, वो रात में आकर चोरी कर ले जाते देना उनको। अब जीवारात रखना बंद कर दिए? हाँ, अभी अभी रख देते, अभी तो नीचे दफना देते उनको, अभी नीचे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और ये पहले ये ऊपर बाहर रख देते थे? इस तो इसके साथ बीच में को मट्टी डालते थे या नहीं? नहीं, मट्टी तो नहीं डालते इस तरह की। तो इसमें से बू नहीं आती थी? तो नहीं यार, ऐसे तो आते कोई ना आते। इधर है हड्डी जी दोस्तों, ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे ये अपने मुर्दों को दफनाया करते थे। दफनाने का जो तरीक़ाकार था वो ये था कि ये अपने मुर्दों को इन ये जो ताबूत आप समझ लें, इस ताबूत के अंदर रखते थे, उसके साथ जेवरात और उसके जो इस्तेमाल की जितनी चीज़ें थी वो भी इसी के अंदर रखते थे, और यहाँ पे इस कब्रिस्तान में आके छोड़ के चले जाते थे। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी डिकम्पोज हो जाती थी और ऐसा ही चलता रहा। चूँकि वो साथ में जेवरात वगैरह भी रखते थे तो फिर चोर आके इसको खोल के उसमें से जेवरात निकाल ले जाते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस ये आई हैं कि अब उन्होंने इसको ज़मीन के अंदर दफनाना शुरू कर दिया है, और ये एक आसार कदीमा के तौर पर महफूज कर लिया गया है। अगरचे आप इसको फुली तौर पर महफूज करना नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉक्स जो है वो मुकम्मल हालत में नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करके इसको बेहतर किया जा सकता है, बजाय इसके कि ये आप देखें पीछे सारे प्लैंक्स अलग अलग हुई पड़े हैं, तो ये थोड़ा सा काम जो है वो किया जा सकता है। अभी जो एक और यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी जो है वो आई है, और उन्होंने आके इस एरिया को ये देखें, ये जो साइडों पर आपको येलो कलर की जो फेंस नज़र आ रही है ये पाकिस्तान आर्मी ने लगा के दिया इनको, और यहाँ पे जो एक्सेस है उसका जो ब्रिज है जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैं क्रॉस करके आया हूँ, ये ब्रिज भी पाकिस्तान आर्मी ने लगा के दिया। लेकिन बेसिकली ये चीज़ें जो हैं ये हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने करनी को करनी चाहिए थी। यहाँ पे एक स्पेनिश जोलॉजिस्ट थे जोल्डी फेडरिको, ये उनकी कब्र है, वो उसकी यहाँ पे इस जो बम्बूरेट है उसके लिए बहुत सारी खिदमात है, वो यहाँ पे काफ़ी लंबा अरसा रहा और यहाँ पे आके वो काम करता रहा। जो इनका जो एक्चुअल तरीका था वो ये था कि जो चारपाई यूज़ करता था वो जो मुर्दा अपनी ज़िंदगी में, वो जब उसके साथ अपने इस्तेमाल की चीज़ें और जेवरात रखते थे तो इसी तरह चारपाई को उल्टा ला के इस हालत में उस ताबूत के ऊपर रख देते थे। इनका ये मानना है कि उसके ज़ेर इस्तेमाल जो जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और नहीं की जा सकती, इसलिए वो उन्होंने यहाँ पे इसलिए वो अपने मुर्दे के ज़ेर इस्तेमाल तमाम चीज़ों को यहाँ पे आके डिस्पोज ऑफ करके चले जाते थे। अब ये जो बड़े बड़े ताबूत नज़र आ रहे हैं ये एडल्ट्स के लिए हैं, और ये जो एक छोटा सा ताबूत है जो कि एक बेसिकली तने के अंदर कार्विंग की गई है,
और एक ये दूसरा वाला, ये बुनियादी तौर पे छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता था, जो कि एज इट इज़ ला के यहाँ पे रख दिया जाता था और इसके ऊपर एक कवर लगा देते थे। क्योंकि आज यहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला है। एक्चुअली फेस्टिवल 22 अगस्त को होता है, टुडे इज 21 अगस्त, लेकिन यहाँ पे 8 बजे भी प्रोग्राम आज होना है। तो लेट्स होप कि हम आज के इस प्रोग्राम को देख पाएं और आपको भी दिखा पाएं। मेन फंक्शन आपका किस कौन सी फिक्स कोई तारीख है या बड़ा जो सालाना दिसंबर में दिसंबर आखिरी फाइनल चिलम जोशी कब होता है? ये 13 मई में। 13 मई सबसे अच्छा फंक्शन तो चिलम जोशी होना जाता है, चिलम जोशी जैसे। लेकिन दिसंबर ये कुर्बानी इसमें ज्यादा होता है, दिसंबर में अगर जानवर ज़बह करते हो, जानवर ज़बह होती है इस बिल्कुल, तो उसमें दुआएं ज्यादा होती है, फिर इसका एंड साल का एंड। तो आजकल वैसे क्या तरीका है उसका दफनाने का? सर दफनाने का तरीका तो ये है ना कि हम तबूत बनाते हैं, ठीक है, तबूत चारों पास उसको तबूत बनाते, फिर तबूत के अंदर वो कील लगा के ना उसको ज़मीन को खोद वो करके खोद करके फिर उसके साइड पे पत्थर वगैरह के फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, मुकम्मल उसका सेफ हो गया मुकम्मल। फिर तो एक कपड़े वगैरह उसका वो होते हैं उसके नीचे, ताबूत के अंदर जाते हैं या नीचे बिछाते हैं? नहीं ताबूत के अंदर कपड़े भी ताबूत के अंदर रखते हैं बिल्कुल, क्योंकि बोरा सफेद कपड़ा नहीं है, ये भी उसके ऊपर हो जाता है, फिर मट्टी में दफन कर देते हैं उसका पूरा जो है कपड़े से बांधा जाता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सॉरी जी सर, नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद, नाम तो आप सारे मुसलमान वाले रखते हैं? तो सर नाम तो हम नाम पे नहीं जाते, हम काम पे जाते हैं। बिल्कुल ये हमारे मेहमान खाने हैं। अच्छा बिल्कुल सर, क्योंकि हमारा उतना वो मेहमान आते हैं तो हमको अभी हमारे मेहमान खाने, अभी भी हमारे पास कुछ दोस्त है इस्लामाबाद से। तो बस ये लोग आते हैं तो हम थोड़ा हमारा अपना है, जो कोई स्टडी वगैरह के इधर आते हैं तो बैठते हैं। अच्छा अच्छा, बस ये सर इसमें थोड़ा वो होता है ना, हम सुबह उठते हैं तो नाश्ते वगैरह एक्चुअली हम सिलेंडर पे करते हैं ना, अभी तो इसका वेस्ट इसको किया है। सिर्फ आप सिलेंडर पे करते हैं कि सब सिलेंडर पे करते हैं? सारे सर, सारे वगैरह भी थोड़ा वो है ना सर, लकड़ी का थोड़ा मसला हो रहा है, लकड़ी कम हो रही है, लकड़ी बहुत कम हो रही है। जंगल तो है चतराल वाला जो पुराना है ना ये वाला, अब इसकी सब जगह, और ये 100 साल पुराना है, ठीक है। अब उसमें फैमिली सदस्य सारे इकट्ठे थे, अब इसने इसको खत्म करके ऊपर इसको लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा अच्छा, पहले घर था ये, अब इधर रहना बंद कर दिया। एक दरवाजा ये था सर, और दूसरा दरवाजा जो है ना ये इधर था सर, ठीक है, ये दूसरा दरवाजा था, ठीक है। हाँ, लेकिन अंदर से कमरा एक ही था? अंदर से कमरा एक ही था बिल्कुल। अब उसका जो सिस्टम था वो आग लगा के ना, वो फर्श पे सेंटर में, सेंटर पे आग लगा के फिर वो सारे ग्रुप की शिकल में बैठते थे, लाटेन होते थे या कोई लकड़ी का वो झूला, वो ठीक है। हाँ, तो इससे बमुश्किल उनकी जिंदगी बमुश्किल चलती थी, उस टाइम पॉवर्टी ज्यादा। तो अब क्या रवाज है? अब एक घर में एक कमरा है कि दो कमरे? अब एक ही घर में जो है अब भाई शादी कर तो उसका अलग है, अब इस तरह से उसका कमरा अलग होता है, और ये वैसे लकड़ी लगाने से क्या होता है कि ये फिर स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है? लकड़ी इसको इस तरह लगाते हैं, ठीक है, अब इस तरह लगाने से ना चारों तरफ ये जिलजिले से ये होने। अच्छा ठीक है, अब ये चारों तरफ इसी तरह, अगर ये इस तरह होना तो सर ये एक साइड पर दूसरे साइड इस तरह गिरेंगे, ये एक दूसरे को बांध के रखते हैं, ये बांध कर रखते हैं सर, ऊपर से जितना भी जिलजिला होना वो कुछ भी नहीं है।
सही सही ठीक है। ये घर नहीं सर, ये घर हाँ हाँ, क्योंकि इसमें जो डिजाइन है ना डिजाइन बहुत अच्छा, डिजाइन को ले लिया तो उन्होंने कहा भाई इस घर को नहीं गिराओ तो हम इस घर को रहन दें, तो इसलिए उन्होंने इसको मस्जिद वो दिए लोगों को भाई इसको नहीं करो, ये कल्चर है क्योंकि इस तरह के डिजाइन नहीं मिल रहे लोगों को। ठीक है हाँ जी, वो पुराने जमाने का कार्विंग हुई है। हाँ बिल्कुल सर, इसलिए ये लोग नहीं चाहते भाई ये रस्ते कल्चर ये खत्म हो जाए, इसलिए अभी इसका जो है ये सारा इसमें टूरिस्ट वालों ने नीचे ले भी ऊपर रहते हैं, बहुत पुराना है सर। ठीक है, ये अभी जो टूरिस्ट लोगों ने इसको वो किया है कल्चर उसको दिए, ये बहुत पुराना है, पहले आप अंदर जा सकते हैं अंदर। हाँ चलो, इसका सारा डिजाइन पुराना है, सारा सिस्टम इसका बहुत पुराना हो गया। ये वही सामान है जो पहले जिस तरह लोग यूज करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये वो जगह है ये जो यहाँ का एक तरह से उनका कम्युनिटी सेंटर भी है और उनकी इबादत गाह भी है। जब भी यहाँ पे कोई डेथ हो जाती है या कोई शादी होती है तो बेसिकली यहाँ पे आके वो अपनी इबादत करते हैं और अपने मुर्दे को यहाँ पे 24 घंटे के लिए रखते हैं। और यहाँ पे ये इसके दो फ्लोर हैं, एक ऊपर है और एक इसके नीचे, नीचे अगर आप जाएं तो नीचे मैयत रखी जाती है, ऊपर लोग जो हैं वो बैठे रहते हैं। अभी आके आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये कैसा है। Talk about his chair.